ये देखिए दोस्तों, पुलिस वाला आया और इस लड़के को पकड़ कर ले गया और मारता भी है किनारे ले जाकर। और यहाँ पर देखिए जितने भी थाईलैंड से लोग आए हैं उनके साथ ये लोग फोटो क्लिक करवाने के लिए पूरा भीड़ इकट्ठा कर दिए हैं। और यहाँ पर एक ही ये लड़की नहीं है, कई सारी लड़कियाँ आई हुई हैं। देखिए खुद कहती है मैं थाईलैंड से हूँ। इधर भी देखिए, पूरा नज़ारा दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने और यहाँ पर भाई साहब आई हुई हैं थाईलैंड की एक्ट्रेस और एक्टर, और सभी लोग उनके साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए एकदम तगड़ा भीड़ इकट्ठा कर दिए हैं कि भाई साहब पुलिस को आना पड़ गया है और पुलिस सारी भीड़ को यहाँ पर भगाई है और सभी लोग एक्ट्रेस को घेर के ना फोटो क्लिक करवाने में लग गए हैं। देखिए मानसून का टाइम है मुंबई में और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। चलिए फिलहाल मैं पूरी वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग एक्ट्रेस को घेरे हुए हैं और फोटो क्लिक करवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और पुलिस ने एक लड़के को यहाँ पर पकड़ा भी, वो लड़का जाके ब्लॉग बना रहा था पास में उनके, और काफ़ी ज़्यादा वो जो एक्ट्रेस हैं वो परेशान हो गई। इसके बावजूद यहाँ पर पुलिस आया और भगाया हो गया है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को पूरा आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे जो कि मुंबई का बहुत ही माना जाना प्लेस है भाई साहब। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मैं आया था गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए, फिर मेरी नज़र पड़ती है इन भाई साहब पे जो अपने में झूमते हैं, रील्स बनाते हैं पब्लिक में। और देखिए इनका डांस देखिए, वाह क्या डांस है, अरे वाह, जियो भाई ऋतिक रोशन को भी फेल। और यहाँ पर देखिए ये सभी लोग थाईलैंड से आई हुई हैं और फोटो क्लिक करवा रही हैं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। बस कुछ ही देर में इंडिया के लड़कों को देखते देखते मच जाती है चुल और सभी लोग इन सभी लड़कियों के साथ लेने लगते हैं भाई साहब सेल्फी। लेकिन क्या पता होता है कि यही सेल्फी लेते लेते घटना घटने वाली है। फिलहाल इसमें मैं भी जुड़ा था लेकिन मैं सेल्फी नहीं ले रहा था, मैं वीडियो बना रहा था। देखिए वो थाईलैंड की लड़कियाँ जो हैं सबको सेल्फी आसानी से दे रही थी, फ़ोटो आसानी से क्लिक करवा रही थी, लेकिन ये लड़के उन लड़कियों को इतना परेशान कर देते हैं कि भाई साहब वो सब घूम ही नहीं पाती हैं। वो सब थाईलैंड से आई हुई रहती हैं और वो ना तो एक्ट्रेस रहती हैं ना तो एक्टर्स रहते हैं, बस वो लोग आम पब्लिक जैसे होते हैं थाईलैंड के, उसी तरह से इंडिया टूर पे आए हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही भाई इंडिया के लड़के देखते हैं उनको तो चुल मचती है कि मैंने तो थाईलैंड लड़की के साथ सेल्फी लिया है। तो सभी लोग भाई साहब अपने फ़ोन में ये चीज़ें कैप्चर करने लगते हैं वीडियो के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर लगातार इस लड़की को लोग घेर के रखे हुए हैं और कुछ ही दूर से पुलिस वाला नज़र बनाए रखता है और देखता है कि ये लोग लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिए हैं फ़ोटो वीडियो के लिए और लगातार यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है। फिर मैं थोड़ा सा बगल में गया तो देखा इधर भी एक भाई साहब एक लड़की को पकड़ के फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा ग्रुप ही था जो थाईलैंड से लोग आए हुए हैं, ये लड़कियाँ लड़के घूमने के लिए आए थे। देखिए हर एक जगह आप देखोगे ना, इधर आओ इधर मैं दिखा दूँ, ये देखो इस लड़की से भाई साहब बात कर रहे हैं, अनिल जी हैं। और यहाँ पे एक लड़की खुद बोलती है मैं थाईलैंड से हूँ, थाईलैंड बैंकॉक थाईलैंड। देखिए और यहाँ पे भाई साहब ये बात करते हैं और वो पूछती है कि ये आप बना क्या रहे हो, तो वो बोलते हैं ब्लॉग बना रहे हैं, तो हाय हेलो करती है। फिर ये लड़की जैसे जाती है मैं दूसरी साइड जाता हूँ, फिर इधर भी देखता हूँ कि इधर ये अंकल जी भी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं भाई। फिर आता है भाई साहब कहानी में ट्विस्ट, इन भाई साहब को पुलिस वाला पकड़ कर ले जाता है और किनारे दे चमाट लगाता है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब ब्लॉग बनाने गए थे और ये पुलिस वाला समझाता है कि क्या उसे परेशान करके रखे हो, किनारे जाके अपना घूमो फ़ोटो क्लिक करवाओ। फिर इन भाई साहब सभी लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं और ये लड़कियाँ आपस ग्रुप में फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाती हैं, आप लोग देख सकते हैं। गाइज मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमेशा टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते रहते हैं और वो कोई थाईलैंड की एक्ट्रेस और एक्टर्स नहीं रहते हैं, आम पब्लिक ही हैं। लेकिन जैसे इंडिया के लड़के देखते हैं तो भाई साहब वो लगातार लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए भीड़ लगाने लगते हैं, तो पुलिस वाला मना करता है कि भाई साहब उन्हें परेशान ना करिए, उन सबको आराम से घूमने दीजिए, बस इतनी सी बात है।